और आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मुकम्मल चेकअप। नवाज शरीफ के दिल की बाएं शरियान में खराबी का इंकशाफ हुआ है। मौलजीन का अगले हफ्ते मजीद टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया है। आगाह करें आपको कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मुकम्मल चेकअप किया गया है और नवाज शरीफ के दिल की बाएं शरियान में खराबी का इंकशाफ हुआ है। इसकी मजीद तफसीलात दानियल राठौर से जानते हैं। दानियल, बताइए इस बारे में। आज बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दिल की बाएं शरियान सही तौर पर काम नहीं करनी, इसका इंकशाफ हुआ है। और मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बयान भी जारी किया है कि डॉक्टरों ने इस बात का तयन किया है कि उनकी जो बाएं जो शरियान है वो सही तौर पर काम नहीं कर रही, जिसके वजह से जो अंजाइना का दर्द है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। जदीद मशीन के जरिए नवाज शरीफ का जो है इको टेस्ट अगले हफ्ते करने का भी फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दिल की जो बाएं शरियान है वो सही तौर पर काम नहीं कर रही है, जिसके बाद इनके डॉक्टर्स ने ये फैसला किया है कि अगले हफ्ते मजीद जो है टेस्ट किए जाएंगे। शरीफ मेडिकल सिटी में ही इनको लाया जाएगा और वहीं पर इनके टेस्ट किए जाएंगे। और गहरी जो तशवीश का इजहार बार बार किया जा रहा है वो यही वजह है, जो अंजाइना का दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है। जदीद मशीनों के जरिए नवाज शरीफ की जो दिल की धड़कन है एक हद से जो है नीचे जाने का भी इंकशाफ हुआ है। और दीगर मालिजीन ने नवाज शरीफ की आंखों और आंखों के अंदरूनी हिस्से में भी मशीन के जरिए जो है मुआयने किए हैं। इसके साथ साथ शुगर का भी टेस्ट किए गए हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के भी टेस्ट किए गए हैं और मजीद जो टेस्ट हैं वो अगले हफ्ते में किए जाएंगे। और नवाज शरीफ को डॉक्टरों की जानिब से मुकम्मल जो है आराम का मशवरा दिया गया है कि वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी ना करें। मगर नवाज शरीफ इस वक्त शुक्रिया दानियल, तफसीलात से आगाह किया आपने।